बहुत ही स्मूथ टच है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैगिंग नहीं, कोई इशू नहीं, कुछ भी चलाओ, अपना यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब जैक टू जैक है पूरा, और ये स्पीकर की वायरिंग है ओरिजिनल वायर, इसमें ये जैक लगा के। सो गाइस ये देखते हो अपने स्पीकर की पूरी फिटिंग चल रही है। सो आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़। सो ये देखो आप, ये देखो जैक टू जैक है पूरा, और ये स्पीकर की वायरिंग है ओरिजिनल वायर, इसमें ये जैक लगा के ये पूरा अपने स्पीकर में डायरेक्ट हो जाएगा। तो भाई एक बार इंस्टॉल करके दिखा दो। ये यहाँ पे हो गए इंस्टॉल इन्फिनिटी के अपने अल्फा सीरीज के स्पीकर्स। सो ये देख लो पूरा जैक टू जैक काम हो रहा है। और एक बार पीछे ले चलता हूँ, ये कुछ बिफोर है, एक बार आपको आफ्टर भी दिखा दूंगा। सो ये देख लो पीछे भाई, यहाँ पे पूरा कैमरा वगैरह फिट हो रहा है। ये अपना कैमरा है, और इसके भी एडजस्टमेंट करके इसको भी पूरा फिट कर देंगे अंदर, और ये भी पूरा जैक टू जैक है। सो गाइस ये देख लो, ये अपने हैं ब्लॉकपन के स्पीकर्स, और ये ब्लॉकपन के स्पीकर्स में यहाँ पे ये अपना है पूरा मिड बेस, और यहाँ पे इसमें ये वोकल्स के लिए, ट्रेबल के लिए यहाँ पे ट्विटर दिया हुआ है, इनबिल्ट ट्विटर के साथ है। तो ये देख लो, ये भी काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी में है। फ्रंट में अपने ब्लॉकपन के स्पीकर्स लगे हैं, और रियर में अपने इन्फिनिटी एल्फा के स्पीकर्स लगे हुए हैं। सो ये कुछ स्पीकर की बात है। और ये अपना देख लो यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम, ये भी इंस्टॉल हो चुका है, और ये भी अपना जो हर गाड़ी में हम लगाते हैं वही सेम है, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है, देख लो आप। आज मैं आपको इसकी एक बार वीडियो क्वालिटी भी चेक कराऊंगा कि वीडियो क्वालिटी किस तरीके से आती है इसके अंदर। सो ले चलता हूँ एक बार, आ रहा हूँ आपको बाहर, और बाहर से भी कोई चीज़ दिखा देता हूँ आपको गाड़ी में। मैं ये कुछ व्हील कवर्स भी लगे हैं, जो कि डुअल टोन में व्हील कवर रहने वाले हैं, ब्लैक एंड सिल्वर, और ये पूरा टाई बेल्ट से पूरा टाइट कर दिया है, और काफ़ी अच्छी फिनिश आ रही है। ये रियर व्हील भी देख लो, फिनिश बहुत अच्छी आ रही है गाड़ी की। सो गाइस ये आप चेक कर लो, देख लो ये अभी अपना पूरा इंडस्ट्रीज मैंने खुलवा दिया है, ताकि आपको मैं इसमें क्लैरिटी दिखा सकूँ, वायरिंग दिखा सकूँ कि वायरिंग किस तरीके से यहाँ पे की जाती है, किस तरीके से अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, और किस तरीके से हम गाड़ी में प्रॉपर काम करके गाड़ी को डिलीवर करते हैं। सो ये देख लो भाई, एक बार दिखा दीजिए। तो इसमें देख लो कंपनी का कपलर दिखा दो भाई एक बार, कौन सा पहली बात तो। सो ये देख लो, ये पीछे वाला अपना कंपनी का कपलर है, देखो ये पीछे वाला कंपनी का कपलर है, ये वाला अपना कपलर है, और इसमें भी देख लो कहीं भी कोई आपको वायरिंग कटती हुई नहीं दिखेगी। ये देखो कहीं अगर आपको वायरिंग कटती हुई दिख जाए, एक बार आप कमेंट कर देना कि यहाँ पे वायरिंग कटी हुई है। भाई ये वायर किस चीज़ की है? वीडियो की, पीछे कैमरे की। ये कैमरे की है, देखो ये कैमरे की वायर है, और इसमें भी अपने जो अपने वायर में कपलर में, जो ये अपने स्टीरियो का कपलर है, इसमें ये वायर ओपन होती है, तो इसमें ये हमने यहाँ पे टेप मार के इसमें लगाई हुई है, और ये अपना उसका है एंटीने का है। हाँ। ये देख लो ये एंटीने का है, और GPS, ये GPS है, और ये माइक, ये माइक है, जो माइक यहाँ लगा, ठीक है। सो ये देख लो गाइस आप, और ये ब्लू वाली वायर किस चीज़ की है भाई? ये एंटीने की। ये देख लो ये एंटीने की पावर केबल है, और देख लो आपको कोई भी एक वायर कटिंग नहीं दिखी होगी इस गाड़ी के, इतनी साफ सुथरी, इतनी क्लैरिटी के साथ, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिखाएगा गाड़ी के अंदर काम होते हुए। सो भाई से पैक कर दो एक बार आप। सो ये देख लो इसकी पूरी फिटिंग वापस कर दे रहे हैं हम लोग, और मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ भी अच्छी लगेगी, जो हमारी क्लैरिटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देख लो इसका माइक हमने यहाँ पे फिट करा हुआ है, जो कि जब जिनकी गाड़ी अगर वो चलाएंगे तो यहाँ से वो बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई फ़ोन वगैरह आता है तो। और ये देख लो बिल्कुल न्यू कार है अपनी, अभी तक सुजुकी का लोगो उसके ऊपर से वो भी नहीं हटा, और ये स्विफ्ट डिज़ायर टूर है। कोई ये मत कमेंट करने लग जाना यार कि डिज़ायर तो ये वाली नहीं आती, नहीं अब भाई टूर में आती है, जो कमर्शियल लेते हैं उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल आती है, तो ये कमर्शियल कार है। सो गाइस आप ये देख लो, गाड़ी में सारा काम अपना कंप्लीट हो चुका है। सो मैं भी अभी गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ, मैं एक बार आपको कुछ बॉक्सेस वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देख लो, ये कुछ अपना स्मार्ट सोनी का बॉक्स है, जो अपना एंड्रॉयड स्टीरियो है ये उसका बॉक्स है। सो ये पूरा लग चुका है, और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो नीचे सब लिखा हुआ है, आईफोन, जीमेल, इसमें अपना सब कुछ चलता है, ब्लूटूथ, यूट्यूब वगैरह, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPRS वगैरह सब कुछ इसमें चलता हुआ है, और बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छी इसकी रिव्यूज़ है, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, कोई लैगिंग का इशू नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर। और वन ईयर की आपको इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, ऐसा नहीं ख़राब हो जाएगा तो आपको ठीक होकर मिलेगा, आपको रिप्लेस होकर मिलेगा। सो ये अपना एंड्रॉयड स्टीरियो हो गया, और मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपना स्पीकर्स लगे हैं, ये देख लो, ये अपना है इन्फिनिटी एल्फा, ये रहा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जैसे ट्राइबर वाली वीडियो में, तो उसमें भी इंस्टॉल किया था, और इसमें भी हमने ये सेम ही इंस्टॉल की है, और बहुत बेस्ट क्वालिटी है, और डिज़ायर में पीछे लगे, आपको आउटपुट सुनाऊंगा, आउटपुट लिटरली अगर मैं सामने से सुनूं तो बहुत बेस्ट है। जिसको अपनी गाड़ी में सिंपल एक ऑडियो चाहिए अच्छा, मतलब कैब वगैरह चलाते हैं या कैब नहीं घर भी जाते हैं, जब ऑफिस अप डाउन कर रहे हैं, उनको एक अच्छा आउटपुट चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, वो इसमें जा सकते हैं। ये मतलब मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको इसमें, अपनी गाड़ी में आपको अगर आपने 4 pair ऑफ ये लगवा लिए इन्फिनिटी अल्फा, सो मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप एम पी लगा के चलाएंगे तो एम पी भी बहुत बेस्ट चलेंगे ये। तो ये हो गया अपने, और आपको ये दिखा देता हूँ ब्लॉकपंक का। सो ये देख लो, ये अपना ब्लॉकपंक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये देख लो
ये अपना ब्लॉक पंखा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, 380 वॉट्स में, आज 280 वॉट का है और काफ़ी अच्छा टू वे कोएक्सियल स्पीकर है और बहुत अच्छा है। और आपको पता है ना ब्लॉक पंक तो जर्मन ब्रांड है, 1924 एस्टैब्लिश जर्मन ब्रांड है स्पीकर थे ब्लॉक पंक के। और ये भी आप जा सकते हो अगर आपका थोड़ा बजट इशू है, बजट कम है तो आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए कम बजट में, तो आप इसमें भी जा सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी गाड़ी में सारा काम आपको मैं दिखा देता हूँ, सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, पूरी गाड़ी इस टाइम पैक हो चुकी है और मैं आपको एक बार स्पीकर की इसमें आउटपुट सुना देता हूँ। सो गाइस ये आप देख सकते हो इसमें मैंने ये वीडियो चला दी है, सो आप देख सकते हो वीडियो की किस तरीके से क्वालिटी है और मैं आपको एक बार चेक करा दूँ, तो वीडियो आपकी फुल 1080 पिक्सल्स में चल रही है, ये देखो तो यहाँ देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्वालिटी 1080 पिक्सल्स में वीडियो चल रही है और कोई लैगिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है। सो एक बार आपको इधर से दिखा देता हूँ, सो ये देख लो, एक बार ऊपर से देख लो, सामने से देख लो, कितने ही ब्यूटीफुल लग रही है वीडियो, और क्लैरिटी देख लो कितनी अच्छी क्लैरिटी है, कलर देख लो आप कितने शार्प कलर्स है और कितने ब्राइट कलर्स है, कितने ब्राइट डिस्प्ले है। सो ये आपको कुछ वीडियो के आपको वीडियो का कुछ सैंपल दिखा दिया मैंने चला के, सो एक बार मैं आपको इसमें ऑडियो का भी सैंपल दिखा देता हूँ चला के कि ऑडियो में किस तरीके से लग रही है, ऑडियो किस तरीके से आ रहा है इसका ऑडियो में, ये देख लो इसकी ऑडियो क्वालिटी, और मैं वॉल्यूम देख लो कितनी है, बढ़ा देता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो जैसे आपको मैंने सारे अभी स्पीकर के बॉक्सेस के बारे में सब कुछ बता दिया, ये सब रखे हैं देख लो, इन सब के बारे में आपको मैंने जैसे बताया, और अपना सारा काम गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है, एंड्रॉइड लग चुका है, अपने टू पेयर्स ऑफ स्पीकर लग चुके हैं, इसमें एक अपना ब्लॉक पंच है, एक अपना इन्फिनिटी है, सो गाड़ी में सब कुछ इस टाइम इंस्टॉल हो चुका है। सो एक बार मैं आपको इसमें इसका स्मूथ टच दिखा देता हूँ कि टच इसका कितना स्मूथ टच है और किस तरीके से इसमें चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ से हमने क्लिक किया, एक वन क्लिक में अपना आ गया, और ये देखो वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ टच है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लैगिंग नहीं, कोई इशू नहीं, कुछ भी चलाओ, अपना यूट्यूब चलाओ यूट्यूब चलेगा सिंगल वन टच में, ये देख लो, और यहाँ से अपना सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो गाइस ये देख लो, एक बार मैं आपको इसमें कैमरे का आउटपुट चेक करा देता हूँ, सो इसमें मूविंग वाला कैमरा लगा है अपना, जो अपने टायर जैसे टायर रोटेट होते हैं तो सबसे रोटेट होता है, ये आपको दिखा देता हूँ गाड़ी बैक लेके, ये देख लो ये जा रहा है, और ये अभी देखो जैसे गाड़ी थोड़ी सी रोटेट करेगी ये मूव करेगा, ये देख लो मूव कर रहा है ना, तो ये टायर के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ये रहा वो गाड़ी रुक गई सीधा हो गया, अब हम आगे लेंगे तो ये, सो ये देखो गाइस इसकी क्लैरिटी देख लो, बिल्कुल HD कैमरा है और विद मूविंग गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस प्रॉपर है, और जैसे टायर रोटेट करेगा उसका रोटेट करेगा आपको जैसे मैंने दिखा दिया वीडियो में ऑलरेडी, सो क्लैरिटी देख लो दिन में रात में बेस्ट क्लैरिटी है, और दूसरे भी दिखा देता हूँ एक बार, ये चेकआउट कर लो आप, सो ये भी अपना अच्छे ब्रांड का जीवा का ही है कैमरा भी, और बहुत बेस्ट क्वालिटी में है, सो ये देख लो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट डाउन कर देना यार, थोड़ा सपोर्ट करो वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। गाइस देखा आपको मैंने जो डिज़ायर के ऊपर मॉडिफिकेशन दिखाई, सो इसमें अपना एंड्रॉइड प्लेयर, टू पेयर ऑफ स्पीकर्स और मूविंग HD कैमरा, सो ये सब इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, अगर आपको भी अपनी गाड़ी में करवानी है सो आप यहाँ पे कारप्रो में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और कारप्रो का नंबर ये है वीडियो पे डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, सो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी गाड़ी में काम करा सकते हो, आपको पूरा सेटिस्फाई किया जाएगा सारे काम के साथ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में। टिल देन सी यू, ओके बाय।